2014 से बाप दादा पहले खेती करे छलखिन हन तेकर बाद से हमहू सब खेती ओनाहिते करे छलियै तेकर बाद से वीआरपी दीदी से हमरा संपर्क भेलखिन तब जाकर कहलखिन कि खेती सीधी विधि से करे लेल वीआरपी दीदी कहलक से धान के खेती करे लेल तो धान के खेती हम कहलिए एमे बड़ मेहनत होइ है तो हम कहलिए कि नहीं करबे तो वीआरपी दीदी पूरा समूह के बैठा करके से अथी देखलक प्रोटेक्टर देखलक तब जा करके हम से खेती कैली वीडियो देखली तो कहली कि हम थोड़ा खेती करे छी हम वीआरपी दीदी से घरे के बिया के धान के दुनू गोटा मिलकर से शोधन कैली बीज के शोधन करके हम वीआरपी दीदी से नर्सरी लगैली नर्सरी के से हम 14 दिन के बाद सीधी विधि से खेती से डोरी पर से कैली उसी खेत में पहले से 40 से 50 किलो होइ छल पौने कट्ठा खेत में आब वही में सीधी विधि से खेती कैली तो 95 किलो भेल हम सोचे छलिए कि सीधी विधि खेती कर से धान के से ओते मेहनत है तो आब से नहीं है ओते मेहनत तो खुद से हम अपन खेती करऽ लगली सीधी विधि से धीरे धीरे हम खेती बढ़बत गेलिए तो आई साल हम सीधी विधि से खेती कैलिए धान के तो 3.5 कट्ठा में 550 किलो से धान भेल पहले वह खेत में से 60 किलो होइ छल आ वही बेचने से 600 के आसपास होल वही खेत में सीधी विधि से कैला से 160 किलो भेल आ बेचने से 1600 भेल इस साल खेती कर से 3.5 कट्ठा में से 3400 रुपया से फायदा भेल खेती जे करे छिए त ई धान के खेती कैला से जे सीधी विधि के खेती कैला से जे पैसा आबे लगले तो हम पढ़ाई लिखाई धियापुता के करे लगली और खेती गृहस्थी करे लगली और ऐसे हमरा बढ़िया जीवन से चले लागल सीधी विधि के खेती धान के कर से कोनो मेहनत नहीं छे मुदा जेनाते हम कर रहलिए तेनाते दीदी सब से करू अगर कैला से देखियो कि कते लाभ से होइ छे दीदी सब जे कहे छे सीधी विधि से धान के खेती नहीं करब तो जेनाते हम करे छे जेनाते हम लाभ ले छिए तेनाते दीदियो सब खेती करथिन तो दीदियो सब के लाभ हेथिन दीदी सब कोशिश करू करे के लिए हमरे जाका सुंदरी दीदी के कहै छलियनि जा के समझाबै छलियनि दीदी श्री विधि से खेती धान के करू तो समझेला नहीं तैयार होइ छलखिन जब वीडियो जाके देखबै छलियनि हुनका तब ओ कनि तैयार भेलखिन दीदी वीडियो देखला के बाद पौन कट्ठा से शुरू केलखिन धीरे धीरे दीदी खेती बढ़ौलखिन तऽ एबेर छलखिन हँ 3.5 कट्ठा में धान केने तो हुनका उपजल छलनि जे 550 किलो ऐसे हुनका पैसा के लाभ बढ़िया भेलनि